हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सिलेबस ऑफ हिंदी क्लास थर्ड। अप्रैल और मई में आपका जो सिलेबस है वो है चैप्टर वन हिम्मत कभी न हारें और चैप्टर सेकंड कैसे हुआ चमत्कार। ये आपके पाठ्यक्रम के दो चैप्टर्स हैं जो आप अप्रैल और मई में आपको करने हैं कंप्लीट। और व्याकरण में आपका क्या रहेगा, भाषा, वर्ण, मात्राएं, संयुक्त अक्षर तथा संयुक्त व्यंजन। उसके बाद जुलाई में आपको चैप्टर थर्ड करना है तीन गुड़िया। और व्याकरण में आपको क्या करना है, संज्ञा, लिंग, वचन। अगस्त के मंथ में आपको फोर्थ चैप्टर करना है समय का मोल और फिफ्थ चैप्टर करना है राजेंद्र बाबू। व्याकरण में रहेगा मेरा परिचय और सर्वनाम। उसके बाद देखिए सेप्टेम्बर में आपको सिक्स चैप्टर करना है दूध का रंग, सेवन चैप्टर करना है आनंद ही आनंद। और व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं वो हैं विशेषण, क्रिया, शब्दों को सही क्रम में लिखना। ओके, अक्टूबर में आपको एट चैप्टर करना है अनोखा उपहार और नाइन्थ चैप्टर शून्य, ये आपकी पोयम है। व्याकरण के टॉपिक्स हैं मुहावरे, चित्र वर्णन। नवंबर में आपको 10th चैप्टर करना है अनोखी चिड़िया, 11th चैप्टर है पिकनिक। व्याकरण के टॉपिक्स हैं कहानी और निबंध लेखन सीखना है। 12th चैप्टर दीप से दीप जलाओ, ये पोयम है, कविता है। 13th नंबर है पौधों का जीवन। व्याकरण के टॉपिक्स रहेंगे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पशु पक्षियों के बोलियाँ। 14th चैप्टर है विश्व पुस्तक मेला। 15th सबसे बढ़कर हम, ये भी पोयम है। व्याकरण के आपके टॉपिक्स हैं हिंदी की गिनती आपको आनी चाहिए, अपठित गद्यांश आपको सॉल्व करना है। 16th चैप्टर है माइकल फेराडे और व्याकरण में आपको क्या करना है, पत्र लेखन सीखना है।